हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एस पी दे। आज आप लोगों से बात करूंगा होम्योपैथी मेडिसिन फॉर इम्यून बूस्टिंग एंड होम्योपैथी मेडिसिन फॉर इम्यूनिटी डेवलपमेंट के बारे में। हाँ दोस्तों, होम्योपैथी में ऐसा बहुत सारे मेडिसिन है जिसको हम लोग इम्यूनो बूस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, खास करके एक्यूट इन्फ्लुएंजा लाइक जो सिम्टम्स है, जो वायरल प्रॉब्लम है, या कोई भी ऐसा पेशेंट जो है जिसको इम्यूनिटी में डेवलपमेंट 10 या 15 दिनों में आना चाहिए, उसके लिए होम्योपैथी में मेडिसिन है, मदर टिंचर्स खास करके है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि कौन कौन से मेडिसिन है होम्योपैथी में जिसको हम लोग इम्यूनो बूस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं बहुत ही इजीली। पहला मेडिसिन है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलियम, जिसको गुलंच बोला जाता है, जो खास करके डेंगू के लिए बहुत फेमस हुआ है। डेंगू में जिसका यूज आयुर्वेदी लोग भी करते हैं और हम लोग होम्योपैथी लोग भी करते हैं। ये वायरल डिजीजेस के लिए एकदम रामबाण है, इसको आप लोग यूज कर सकते हैं, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलियम जो मादर है। और एक फेमस मेडिसिन है जो नीम, जो आयुर्वेद में हर हर घर में इंडिया का यूज होता है, उसका भी एक मादक टिंचर आता है आधा दिरीटी का इंडिका बोल के, इसको भी हम लोग यूज करते हैं, खास करके जिसका रिपीटेड फीवर, कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम है, स्किन का प्रॉब्लम है, उसका इम्यूनिटी अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर आता है ऑसिमम सैंक्टम या तुलसी। तुलसी का इम्यूनो बूस्टिंग पावर मुझको अलग करके बोलने का जरूरत नहीं है, ये भी एक एंटीवायरल है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए, बुखार के लिए, वायरल फीवर के लिए, सर्दी के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। हर घर में इंडिया का ये पेड़ है और इसका पत्ता को लेके रस निकाल के यूज होता है, उसका भी मादा टिंचर होम्योपैथी में अवेलेबल है, ऑसिमम सैंक्टम। और एक मदर टिंचर फेमस है जिसको रिसेंटली कोरोना वायरस का जो प्रिवेंशन है उसमें आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेदिक जो इम्यूनो बूस्टिंग हर्ब्स में इंक्लूड किया है, वो है वाइथिया सोमिनीफेरा या अश्वगंधा, इसका भी मदर टिंचर होम्योपैथी में अवेलेबल है, ये भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलियम और आजादीरीची का इंडिका, ऑसिमम सैंक्टम एंड वाइथिया सोमिनीफेरा, ये जो चार मैंने अभी बताया, इसको अगर आप 30-30 ml करके सील फाइल बाजार से खरीद ले और इसको एक जगह पे एक बड़ा शीशी में मिक्स कर ले, जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको आप एंटीवायरल, खास करके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का जो माहौल आजकल चारों तरफ है, इसके अगेंस्ट में या कोई भी वायरल डिजीज के अगेंस्ट में आप यूज कर सकते हैं। इसका जो अगर आप ये मदर टिंचर जो मैंने बताया इसको सिंगल खाते हैं या इसका कॉम्बिनेशन आप लोग यूज करते हैं, तो आपका एक ही डोज होगा दिन में 3 times, 3 times खाने के बाद 15 बूंद करके थोड़ा सा 2 चम्मच गर्म गुनगुने पानी में आपको लेना है। अगर 10 साल से नीचे बच्चा कोई लेता है तो उसको आप 7 to 8 बूंद करके 2 चम्मच गर्म पानी में दिन में 3 times खाने के लिए दे सकते हैं। इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं 15 days to 1 month। अगर कोई बीमार है जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर है किसी का, या वायरल प्रॉब्लम किसी का है, वायरल फीवर वगैरह, वो भी ये ले सकता है, उसको भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और 2-3 days में वो एकदम मैजिकली ठीक हो जाएगा। इसके बाद एकदम घर में जो रेडीमेड जो हम लोग दो चीज़ मैंने बार बार मेरे वीडियोस में बताया है कि अदरक और जो लहसुन है उसका भी मादक टिंचर है। कोई अगर कच्चा जो है उसको खाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कोई ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट या कोई भी केमिकल ड्रग या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आपको लेना नहीं है, आप ये दोनों का भी एक सप्लीमेंटरी मादक टिंचर होम्योपैथी में अवेलेबल है, जिसको हम लोग लहसुन का जो है उसको हम लोग बोलते हैं एलियम सैटिवा मादक टिंचर, और अदरक का जो है उसको हम लोग बोलते हैं जिंजिबर ऑफिशिनलिस मादक टिंचर। ये मादक टिंचर्स भी आप ले सकते हैं, इसमें भी पोटेंट वायरल एंटीवायरल एक्टिविटी होता है, खास करके आप अगर इस दौरान कोई भी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में आप जूझ रहे तब ये भी आप ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं थोड़ा सा दूसरा जो भी बीमारी है, किसी को अगर स्किन का ज़्यादा बीमारी है, बार बार बॉयल्स या पास फॉर्मेशन, ऐसा बॉयल्स हो रहा है, स्किन डिजीज है, ठीक नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है रिपीटेड स्किन में या दूसरा कहीं भी,
तो आपका जो मादा टिंचर आप इम्यूनो बूस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इचिनेशिया एंगुस्टिफोलिया मादा टिंचर। ये आप जैसे मैंने पहले बताया दिन में 3 बार 15 बूंद करके थोड़ा सा गुनगुने पानी में, या आप 10 साल से नीचे बच्चे को 7-8 बूंद 2 दिन में 3 बार 2 चम्मच पानी गर्म गुनगुने पानी में खाने के बाद आप दे सकते हैं। जिनसेंग मादा टिंचर, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, अगर कोई डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन के कारण उसका खाना पीना कम हो रहा है, उसका स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी बढ़ रहा है, इसके लिए एक खास इम्यूनो बूस्टिंग एंड मेंटल पावर बूस्टिंग एक मेडिसिन हम लोगों में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जिनसेंग मादा टिंचर। ये मादा टिंचर आप अगर लेते हैं तो आपको जो भी मेंटल कॉज के लिए स्ट्रेस एंग्जाइटी डिप्रेशन के लिए आपको अगर इम्यूनिटी में इफेक्ट आ रहा है तब वो ठीक हो जाता है। उसमें आपको एनर्जी भी फिजिकल मिलता है और मेंटल जो आपका स्ट्रेस है वो भी कम हो जाता है। खास करके अगर कैंसरस कोई भी पेशेंट्स है जिसको आप इम्यूनिटी बूस्टिंग करना चाहते हैं, कैंसरस अफेक्शंस में ट्रीटमेंट चल रहा है, केमोथेरेपी रेडियोथेरेपी सर्जरी हुआ है या दूसरा कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको आप जो मादा टिंचर होम्योपैथी में दे सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रास्टिस कैन मादा टिंचर। इसको आप दिन में 3 बार जैसे मैंने पहले डोज बताया वैसे ही आप दे सकते हैं। ये अगर आप लेते हैं तो कैंसरस कैंसर का जो स्प्रेड वो भी कम हो जाता है और उसका जो मेडिसिन जो भी आप यूज कर रहे हैं थेरेपी वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह उसका जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये सब होम्योपैथी में इम्यूनिटी बढ़ाने का जो भी मैंने नुस्खा और मेडिसिन बताया ये आप ले सकते हैं। और इसके बारे में अगर आप एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहते हैं तो कोई भी रजिस्टर्ड अच्छा क्वालिटी का होम्योपैथ के पास आप जा सकते हैं या मुझको भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।